सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास होता है जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। आज का पंचांग 24 जून 2023 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:17 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 7:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:57 से 10:39 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मकर राशि 24 जून 2023 दिन शनिवार, दूसरे लोग कुछ मुद्दों के विषय में आप पर निर्भर होंगे जो शायद धन या कानूनी परामर्श से जुड़े हुए हैं। काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और दुश्मन आपकी पोजीशन पाना चाहते हैं। परिश्रम करें और मेहनती व भरोसेमंद के रूप में पहचान बनाएं। छोटे दुर्घटनाओं से बचने के लिए आज यात्रा करते समय सावधान रहें। छोटे अवसरों से भी बड़े कामों की अवसरों के लिए रास्ता खुद बनता जाएगा। आपका खुद पर और दूसरों पर विश्वास आपके लिए लाभदायक है। सफलता की राह और असफलता का मार्ग लगभग बिल्कुल एक जैसा ही है, बस आगे बढ़ते रहें। समय का उचित सदुपयोग करने से आपका भाग्य उदय निश्चित है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपके लिए कोई शुभ समाचार लाएगी। घर की सुख सुविधाओं संबंधित जरूरतें पूरी करने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर सजग रहेंगे। परिस्थिति में बदलाव करने के लिए प्रयत्न करते रहें। काम की गति धीमी रहेगी और आपकी निर्भरता लोगों पर बनी रहेगी। इस कारण खुद होकर कोई भी बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं होगा। आप सही मार्ग पर हैं। केवल खुद को थोड़ा और वक्त देंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो सकता है। पुराने क्लाइंट या अवसर फिर से प्राप्त होने लगेंगे, इस कारण फायदा मिल सकता है। नकारात्मक परिस्थिति में पार्टनर का व्यवहार कैसा रहता है इस बात का अवलोकन जरूर करें। सावधानियां, ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाए रखने में आपका विशेष योगदान है। अतिरिक्त खर्चों का भार बना रहेगा। कहीं उधार दिया हुआ या रुके हुए पैसे का कुछ हिस्सा वापस मिल सकता है। कोई समस्या होने पर तनाव लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, समाधान निकालने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। कुछ लोग उदासी या अकेलेपन के कारण आपसे निराश महसूस कर सकते हैं। आप किसी प्रिय के साथ के लिए आज कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उदास ना हो। आपके गुणों और रिश्ते के कारण कोई खास आपकी तरफ आकर्षित होगा। दुर्घटना चोट या रोग से बचने के लिए सावधानी बरतें। जीवन में आई हर परेशानी कोई ना कोई शिक्षा देती है। कुछ नए संबंध बनेंगे जिनसे आपको लाभ होगा। आपका व्यस्त कार्यक्रम आपको अपने जीवन साथी से दूर कर रहा है। ऐसे में अपने साथी के लिए भी कुछ वक्त निकालें। ध्यान रहे, आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपका खुशहाल संसार तबाह कर सकती है। बात करते हैं करियर की। किसी भी काम को शुरू करने से पहले गहराई से विचार करें ताकि आपको मेहनत व्यर्थ किसी भी काम को शुरू करने से पहले गहराई से विचार करें ताकि आपकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। कौशल प्रशिक्षण या सही ज्ञान आपको आगे ले जाने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। अन्य दिनों के तुलना में आज के दिन आपके लिए अच्छा है, जिसमें आपके लिए कई नए अवसर और संभावनाएं हैं। एक छोटा सा मौका आज आपको एक बड़ी डील दिला सकता है। अपनी आंखें खोलकर अपने कानूनी संबंधों और नए संबंधों या गठजोड़ों पर ध्यान दें। आपके आसपास के लोग भी आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। आपका और आपके प्रियजनों का विश्वास आपको आने वाली हर मुसीबत से बचाएगा। बात करते हैं सेहत की।
आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान आपको स्वस्थ और सकारात्मक रखेंगी। योग, मेडिटेशन आदि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें। उल्टी और अपचय की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, आज अब गरीबों को काली तिल या काले कंबल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।